हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम आए हैं जानकी वन। ये मेन रोड के ऊपर ही है। ये पार्किंग एरिया है, पार्क कर सकते हो गाड़ी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ये 360 व्यू, इसके अंदर ये चीजें घूमने की है। तो ये इसका एंट्रेंस एरिया है, तो अंदर चलेंगे और काफी सुंदर ये पूरा पार्क है। तो अंदर से मैं आपको पूरा पार्क दिखाऊंगी, सारी डिटेल में पूरा वीडियो होगा और सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आप पूरा वीडियो देख लेना। तो ये पूरा एंट्रेंस एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने सब जा रहे हैं और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, आई लव जानकी वन, तो फोटोज वगैरह आप क्लिक करवा सकते हो। हिबिस्कस के फ्लावर्स है। तो चलिए चलते हैं अंदर और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप सूरत रहते हो या आसपास में रहते हो तो यहाँ पर आना तो बनता है एक बार। पूरा नेचर का पूरा फील आपको यहाँ पर मिलेगा, पूरा जैसे कि आप देख ही रहे हो। सूरत से यहाँ का पूरा डिस्टेंस है 86 किलोमीटर और 2.25 घंटे करीबन आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पर आने का। ये आप अशोक वाटिका जो आप देख रहे थे, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले दूसरी साइड में मैं पहले नाश्ता वगैरह जो कुछ यहाँ मिलता है तो वो कर लेते हैं पहले, फिर बाद में यहाँ पर आके मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। और इसकी टाइमिंग की बात कर लूँ तो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और मंडे को ये स्पेशली बंद रहता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मंडे को ट्रिप ना करें। काफी सारे बर्ड्स के उनकी फोटोज लगाई हुई है वहाँ पे, पैंथर बनाए हुए, टाइगर बनाए हुए वहाँ पे, काफी सुंदर बनाया है गार्डन को। यहाँ एंट्री करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और पार्किंग भी फ्री है। ये प्रकार के सारे बर्ड्स यहाँ पर है और भी सब है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, कभी बर्ड्स दिखेगा तो आपको। और जो भी बोर्ड पर बाहर सब लिखा हुआ था सब कुछ मैं आपको डिटेल में, एक एक चीज यहाँ पर देखने की है वो मैं सब दिखाऊंगी। पूरा वीडियो आप डिटेल में देख लेना। और आप जैसे देख रहे हो काफी हवा चल रही है यहाँ पर। ये तिब्बती हाट है, यहाँ पर शॉप्स हैं सब, काफी सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी हैं यहाँ पर। और अगर आप कुछ खाने के लिए पीने के लिए लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर लोटस का पाउंड भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लोटस दिख जाएंगे, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर लेना, तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ ट्रैवल्स के और भी जो फेस्टिवल्स वगैरह के, तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो वीडियोस। और अब हम पहले आ चुके हैं अशोक वाटिका में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो सीता माता है, हनुमान जी है, जो हनुमान जी पहली बार सीता माता से मिले थे। काफ़ी सारे पिकॉक्स बोल रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही है, तो काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। आप सुन सकते हो पिकॉक की आवाज। दोपहर का टाइम है इसके वजह से बर्ड्स थोड़े नहीं दिख रहे इतने, शाम को सुबह काफी बर्ड्स दिखते हैं। ये भी बम्बू का ही पेड़ है, देखिए काफी बड़ा हो रहा है। सामने देखिए लोटस है पिंक वाले, वहां पे मैंने दिखाए थे वो वाइट थे और ये पिंक है। वो सामने भी स्टैचू राम भगवान और सीता जी, ये जो स्टैचू मैंने आपको दिखाया है वो वाला पास से। काफी सुंदर सुंदर स्टैचू बनाए हुए हैं। चलिए आगे और देखते हैं। ये अमर वन था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना डिटेल।
अमर वन है इसकी वजह से, यहाँ पे सब लगे हुए पेड़, ये आम के पेड़ है। काफी सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स है यहाँ पर। ये अलग अलग जा रहे हैं रास्ते, और ये बिल्ली वन है, यहाँ पे बिल पत्र के पेड़ हैं। बिल्ली के पेड़ हैं, आप पढ़ सकते हो। ये इधर जाएंगे तो वो वाला है, और ऊपर वाला हिस्सा एरो है। इस साइड जाएंगे तो औषधि वन है, और इस साइड जाएंगे तो स्टेचू वाले आश्रम वगैरह का। पहले ये देख लेते हैं, ये वाल्मीकि आश्रम है, इसका आप पढ़ना चाहो तो आप डिटेल पढ़ लेना, और आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको रामायण के कई दृश्य दिखाए गए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टैचू वगैरह बनाए हैं। सीता माता दिखाई दे रहे हैं, लव कुश दिखाई दे रहे हैं, और पहले जो मैंने आपको स्टैचू दिखाया उसमें सीता माता थी, हनुमान जी जो फर्स्ट टाइम अशोक वाटिका में सीता माता से मिले थे वो वाला दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचू आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चंदन वन है, यहाँ पे चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं, फ्रेग्रेंस भी आ रही है एकदम। और इस साइड में है ये देवफल वन है, ये जो भी नाम लिखे हैं वो उस टाइप के ट्रीज उस जगह पे लगाए हुए हैं। अभी चल रहा है काम, काफी सारे ट्रीज लगा रखे हैं। और ये सिंदूरी वन है, यहाँ पे भी ट्रीज अभी सब काम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी छोटे ही हैं, अब बड़े हो जाएंगे। काफी सारे तो बड़े भी हैं, कोई कोई जगह पे छोटे हैं। ये आप व्यू देख सकते हो, काफी सुंदर है, आपको आगे से और दिखाती हूँ। देख सकते हो काफी सुंदर है, ये केबल ब्रिज भी बनाया हुआ है ये उस साइड में। ये देखिए काफी बड़ा हुआ गार्डन है, ये आप लेक वगैरह देखो बनाई हुई है। अभी केबल ब्रिज की उस तरफ से ही चलेंगे, चलिए चलते हैं आगे। और व्हाइट कलर के बर्ड्स भी है देखिए, काफी सुंदर सुंदर। और ये केबल ब्रिज, ये अलग फ्लावर्स हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, ये देखो बटरफ्लाई। ये दशमूल वन है, और ये जो आपको बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं ये बम्बू के हैं सारे, इतने सुंदर तरीके से लगाए हुए हैं और काफी सुंदर लगते हैं। अब चढ़ेंगे केबल ब्रिज के ऊपर, ये लेक, और यहाँ से इसका व्यू। अभी दोपहर का टाइम है तो थोड़ी धूप लग रही है, बाकी काफी अच्छा है, हवा तो काफी चल रही है। ये केबल ब्रिज के ऊपर से दिख रहे हैं बम्बू के पेड़, काफी बड़े बड़े हैं ये सारे, ये पतली पतली लीव्स दिख रही है और सब बम्बू वाले हैं। ये स्टेयर्स बनाए हुए ऊपर चढ़ने के, ये देख सकते हो काफी सुंदर प्लांट से बनाया हुआ है, काफी सुंदर भी लग रहा है। जानकी वन लिखा हुआ है गुजराती में, जानकी वन लिखा हुआ है, काफी सुंदर फ्लावर से बनाया हुआ है प्लांट से। पानी के सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे गरुड़ भगवान की मूर्ति है, काफी बड़ा है, मैं तो थक गई चलते चलते। ये लेपर्ड्स के स्टैचू बनाए हुए हैं, यह है नवग्रह वाहन, नवग्रह के जैसे प्लांट जो उनके नाम पे हैं भाई यूज होता है उनके लिए। ये राहु के ग्रह के लिए, वो सूर्य के लिए काकड़ो, शनि के लिए खिजड़ो,
ये ऐसे सब प्लांट्स के हैं लगाए हुए, केतु के लिए दर्भ, ऐसे सब लगाए हुए प्लांट्स। ये सब उन नवग्रह भगवान को चढ़ते हैं। और ये देख सकते हो आप नक्षत्र वन, नक्षत्र वन में सब राशि का लिखा हुआ है, चित्र बिली और स्वात्री, और सामने देख सकते हो आप तुला राशि का बनाया हुआ है, ये वृश्चिक राशि का, काफी सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। पूरा राउंड सर्कल है, पूरे राउंड में लगाया हुआ है पूरा सर्कल टाइप में। और यहाँ से जो अपन ने देखा था जानकी वन ऐसे लिखा हुआ था, वो ये इसके नीचे ही है। और ये सामने आप देख सकते हो व्यू काफी सुंदर। ये जो मैंने आपको बाहर से दिखाया है राशि वन, जो आपको राशि का लगाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। कन्या राशि का है, ऐसे काफी सारे सब राशियों के लगाए हुए हैं। काफी जगह पड़ी हुई है अभी भी, और भी वो लोग बना रहे हैं, काम चालू ही है। एकदम जंगल टाइप है, काफी अच्छा नेचर जैसा फील आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। वापस आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ का कंप्लीट हो गया। हेलीपैड के बारे में लिखा हुआ है पूरी, इसकी लंबाई कितनी होती है, वेट कितना होता है। और ये लिप्पड़ का स्टैचू जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो सामने स्टैचू दिखाई दे रहा था जो सभी रामचंद्र जी को अपने बेर खिलाती हैं, वो वाला स्टैचू था। अलग अलग तरह की औषधियां लगाई हुई है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। फूल को छेड़ना नहीं, ऐसा वगैरह सब लिखा हुआ है। और ये सामने रही, और भी है काफी सारी औषधि वगैरह सब लगाई हुई है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो और भी औषधियाँ हैं। अगर आप ऐसी जगह पे आते हो तो प्लीज गंदा ना करें, कचरा नहीं डालें, डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं आप उसमें डालिए, पूरा क्लीन रखें। फिर काफी अच्छा बनाया हुआ है, और प्लांट्स वगैरह और स्टैचू वगैरह को छेड़े नहीं, दूर से आप फोटो ले सकते हो आराम से। उसमें सब में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ भी है कि आप उसको छेड़े नहीं, दूर से आप कैसे भी फोटो ले सकते हो। उस साइड में केबल ब्रिज था, इसमें ये फ्लोर वाला ऐसे ही ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, लेक टाइप बनाया हुआ है। और ये देख सकते हो काफी सुंदर। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है, काफी ऊपर नीचे वैसे उस टाइप में बनाया हुआ है। जो ऊपर से लेक दिख रही थी ये वही लेक है, पानी है नीचे से जा रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर। कोयल है, ये जो भी बोर्ड लगाए हुए हैं, काफी सारे बोर्ड लगाए हैं, सब बर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में। दोपहर के टाइम में तो इतने नहीं दिखते हैं, और पीकॉक वगैरह की आवाज भी काफी आ रही है। प्लांट है जिसे वो जानकी वन लिखा हुआ है, पिंक कलर का। और ये आप देख सकते हो काफी सुंदर सुंदर डस्टबिन बनाए हुए, इसमें ही आप कचरा डालें, गार्डन में कचरा नहीं डालें। और ये आप देख सकते हो ऐसा व्यू है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे अपन पहाड़ पे चलते ट्रैकिंग करते हैं उस टाइप का बनाया हुआ है पूरा। ये आप देख सकते हो बम्बू का ट्री काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, काफी मोटे मोटे बम्बू है। और ऐसे चेयर्स भी रखी हुई हैं बैठने के लिए, आराम से बैठ सकते हो। बस स्नैक्स वगैरह उनका सबका ध्यान रखना है, सांप वगैरह भी आ सकते हैं, पूरा जंगल टाइप है इसलिए। और हवा से बम्बू हिल रहे हैं तो देखो आवाज नॉइज आ रहा है पूरा, हिल रहे तो उनकी आवाज आ रही है। अंदर आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, तो इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो आप इस साइड आ रहे हो तो एक बार जरूर विजिट कर सकते हो, काफी सुंदर गार्डन बनाया हुआ है, आप फोटोज वगैरह भी करवा सकते हो ऐसे बनाए हुए लकड़ी के, काफी सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं।
और ये वो रहा सामने गेट, बाहर जो एंट्री करते हैं वही गेट है, बाहर निकलने का भी। येलो कलर के फ्लावर्स हैं काफ़ी सुंदर, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, ये यहाँ पे बहुत सारे लाइन से लगाए हुए। ये बम्बू देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े, बाहर से देखते हो तो ऐसा नहीं लगता है ये इतना बड़ा है, पर ये काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया। और अगर आपने मेरे सापुतारा वाला वीडियो नहीं देखा हो, गिरा दूध वाला वीडियो नहीं देखा हो, होनाई माता मंदिर का वीडियो, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।